In this session, we will discuss about some important questions regarding the sheet metal viva or sheet metal shop. तो एक एक करके जो जो important questions हैं जो examiner आपसे sheet metal के viva में पूछ सकता है. Sheet metal is a shop which comes in a workshop. ठीक है, workshop का जब भी viva होगा तो उसमें forging, आपका sheet metal, आपका lathe machine और आप you can say the machine shop, ठीक है, कारपेंट्री, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं. तो अगर जब वर्कशॉप का वायवा होता है तो उसमें शीट मेटल जो होगा शॉप, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर, उन पर आप डिस्कशन करेंगे. ठीक है, आप पेन पेंसिल ले लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे भी, या फिर आप वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, सो दैट कि आप उन क्वेश्चंस को रिकॉल कर पाएँ और उनके आंसर्स को चेक कर लें. आपके टेक्स्ट बुक है या लैब मैनुअल है वहाँ पर चेक कर सकते हैं, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो बुक है, एमपी की जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको मैक्सिमम जो आंसर्स हैं इसके मिल जाएंगे. ठीक है, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ शीट मेटल मटेरियल यूज इन फैब्रिकेशन. इसका मतलब कि कौन कौन सी टाइप्स की शीट्स होती हैं, मटीरियल कौन कौन सा होता है आपका. ठीक है, जैसे आजकल जो जनरली वर्क आईटीआई है या डिप्लोमा बीटेक के जो कॉलेज हैं वहाँ पर जो शीट मेटल के शॉप्स में ना जीआई शीट ज़्यादा यूज़ करते हैं, जीआई शीट. ठीक है, जीआई शीट का फुल फॉर्म बताएंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर. ठीक है, और भी आपकी है कॉपर है, आपकी एल्युमिनियम है, बट जीआई शीट ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन शीट मेटल फैब्रिकेशन. शेयरिंग ऑपरेशन कौन सा होता है. ठीक है, ये अब प्रोसेस जो है ना, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आप ये देख लीजिए. इस क्वेश्चन को सबसे शीट मेटल प्रोसेसेस. अब इसमें आपको जितने भी 1, 2, 3, 4 करके जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं उन सबको आप लिख लेंगे, और उसके बाद ऑपरेशंस को देखेंगे कि शेयरिंग ऑपरेशन क्या होता है, बेंडिंग ऑपरेशन क्या है आपका. ठीक है, कटिंग ऑपरेशन क्या है आपका, ये सारी चीज़ें. हाउ इज़ बेंडिंग अचीव्ड इन शीट मेटल वर्क, डिस्कस द टूल एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इसमें पूछा कि जो बेंडिंग ऑपरेशन के लिए जो शीट चाहिए उसमें कौन से टूल्स और टेक्निक्स चाहिए. तो आप इसको प्रिपेयर ऐसे कर सकते हैं वन शॉट के अंदर कि शीट मेटल जो हैं वहाँ पे टाइप्स ऑफ जो टूल्स हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, टूल्स यूज इन शीट मेटल शॉप. ठीक है, व्हाट आर द पर्पज ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ प्रेस ब्रेक इन शीट मेटल ऑपरेशन. फिफ्थ जो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग इन शीट मेटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है इसका प्रोसेस ऑपरेशन, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग क्या होता है. ठीक है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNC कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल पंचिंग मशीन इन शीट मेटल. पंचिंग मशीन जो ऑपरेशन है वो CNC में कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर होल्स प्रैक्टिकली टिपिकली मेड इन शीट मेटल कंपोनेंट्स, डिस्क्राइब ड्रिलिंग एंड पंचिंग ऑपरेशन. अब देखो, ड्रिलिंग ऑपरेशन, पंचिंग पता होना चाहिए और ब्लैंकिंग ये ऑपरेशन पता होना चाहिए. इसके आंसर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, आप अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, और अगर हमें इनके आंसर्स को डिस्कस करना है तो हम नेक्स्ट इसके लिए वीडियो बनाएंगे, बट उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डीबरिंग इन शीट मेटल फिनिशिंग. ठीक है, डीबरिंग क्या होता है, शीट मेटल जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑपरेशन किया जाता है. 9th है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कर्व्स शेप्स इन शीट मेटल वर्क, व्हाट टूल्स आर कॉमनली यूज. जब भी शीट मेटल में अगर हम कर्व बना रहे हैं, सपोज ये इस फॉर्मेट में मिली है तो आपको यहाँ पे कर्व बनाना है, या कोई भी कर्व कंपोनेंट आप बना रहे हो वो कर्व्ड की फॉर्म है, तो वहाँ पे कौन से टूल यूज़ किए जाएंगे. हाउ आर सीम्स एंड जॉइंट्स क्रिएटेड इन शीट मेटल. अब शीट मेटल शॉप के अंदर ना टाइप्स ऑफ जॉइंट भी होते हैं. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मतलब उसको आप कैसे जॉइन कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग रिवेटिंग. ठीक है, सीमलेस जॉइंट बना रहे हो या स्पॉट वेल्डिंग करके आप कर रहे हो शीट्स के ऊपर, तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो. ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ शीट मेटल लेआउट एंड पैटर्न डेवलपमेंट इन फैब्रिकेशन. शीट मेटल लेआउट क्या होता है. ठीक है, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड व्हेन वर्किंग विद शीट मेटल. ठीक है, शीट मेटल देखो, वो एक शीट ही है और ये शीट की फॉर्म में है. जब भी आप इसको कट करोगे तो कोई भी जो शार्प एजेस होते हैं वो आपको टच हो सकते हैं, और बहुत सारे आपको प्रिकॉशंस रखने हैं. ठीक है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजी इन शीट मेटल फैब्रिकेशन. अब देखो, यहाँ पे हमने पहले का कन्वेंशनल तरीका था, अब ये हमने शीट बिछा दी, अब ऊपर से लेज़र प्रिंटर से क्या होगा, जो भी शेप आपको बनानी है वो कट हो जाएगी लेज़र की हेल्प से. क्लियर,
how a surface finish applied to sheet metal components provide example. ठीक है, जो हम बात कर रहे थे कि शीट मेटल जो अपने कंपोनेंट्स बनाए हैं उनको फाइनली आपको फिनिश बनाना है, सरफेस को डीबगिंग कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं तो कैसे करेंगे. 15th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेच फॉर्मिंग इन शीट मेटल. स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या होता है? बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, एक शीट हमारे पास ये है इस टाइप की, लेकिन हमें इसको कॉनिकल शेप के अंदर ऐसे कन्वर्ट करके बनाना है. ठीक है, तब ये कैसे बनाएंगे, किस मशीन पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे सपोज अगर ये कोई मशीन पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसने शीट को होल्ड कर दिया, अब यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये रोटेशन के साथ में क्या करेगा, ये इसको फॉर्मिंग ऑपरेशन करके इसको बेंड कर देगा, स्ट्रेच फॉर्म करेगा और शीट जो क्या करेगी वो स्ट्रेच भी होगी इस प्रोसेस में. नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हैमरिंग इन शीट मेटल फैब्रिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन. 17th है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट गॉज टू शीट मेटल फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन. इसकी जो थिकनेस को नापना है आपने, उसके लिए कौन से गॉज यूज़ करेंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर एक शीट का डायमेंशन अलग होगा. ठीक है, थिकनेस के ऊपर भी वेरी करेगा. डिस्कस द रोल ऑफ कैड कैम सॉफ्टवेयर इन शीट मेटल डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैड कैम कैसे इंपॉर्टेंट है डिज़ाइनिंग में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो शीट मेटल की जो शॉप है वहाँ पर हमारे कैड कैम के जो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वहाँ पर उनकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज़ हो रहे हैं वो डिस्कस कर. हाउ यू कैन डिटरमाइन द बैंड अलाउंस फॉर अ गिवन शीट मेटल पार्ट, क्लियर है, ये भी देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन शीट मेटल शॉप टू एंश्योर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन फैब्रिकेशन प्रोसेस. कि कौन कौन से हम क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं, क्या हमारे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे हमारे, और जिसकी कि हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को मेंटेन कर पाएँ. तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो वाइवा में पूछ सकते हैं. ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर लेके आएँ, ठीक है, एमसीक्यू टाइप से हर एक शॉप के लिए. तो जब तक नहीं आते तब तक इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए. आई होप ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके कमिंग वाइवाज के अंदर. ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक.